नमस्कार, मैं हूं अमनदीप सिंह और आज दिल्ली की बात में भारतीय युवा कांग्रेस की सीरीज के अगले पड़ाव में हम आए हैं एक ऐसे व्यक्ति और व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए जिन्होंने अपने जीवन में ना सिर्फ चुनाव लड़े लेकिन कई ऐसे संघर्षशील काम भी किए, कई ऐसे मुद्दे जिन पर उन्होंने मोर्चे भी लगाए जिसकी वजह से उनको ना सिर्फ एक नेता बल्कि क्रांतिकारी कहना भी सही रहेगा। आइए आपकी मुलाकात आज करवाते हैं बादली विधानसभा से दो बार के विधायक रहे और दो बार के म्युनिसिपल काउंसिलर रहे देवेंद्र यादव जी से। देवेंद्र यादव जी ने अपना जीवन जो है छात्र राजनीति से शुरू किया और छात्र राजनीति के बाद युवा कांग्रेस की राजनीति और उसके बाद वो काउंसलर बने। दो बार क्षेत्र में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया काउंसलर के तौर पे और उसके बाद दो बार एमएलए बनने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। आइए आज उनसे बात करते हैं उनकी क्षेत्र के बारे में, दिल्ली के बारे में, परेशानियों के बारे में और उसके जो भी समाधान है उनके बारे में। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है भारतीय युवा कांग्रेस की सीरीज दिल्ली की बात में और आपने हमें समय दिया इसके लिए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाय अमन, कैसे हैं? इट्स अ प्लेजर टू बी हियर विद यू ऑन दिस सीरीज कॉल्ड दिल्ली की बात। ऑफ कोर्स दिल्ली की बात बहुत जरूरी है और दिल्ली देश का दिल भी है इसलिए भी बहुत जरूरी है। और आज का जो सीन यहाँ पर सिनेरियो पूरे दिल्ली में है, मैं समझता हूँ कि आप सही जगह पहुँचे हैं। मैं आपको लेके चलूँगा दिल्ली की सच्चाई दिखाने के लिए और मुझे लगता है कि शुरुआत आज एक ऐसी मुद्दे से, एक ऐसी बात से करते हैं जिससे अपने आप में स्पष्ट होगा कि दिल्ली जा कहाँ रही है, दिल्ली का सच्चाई क्या है, दिखाने में और करने में कितना अंतर है। सर, आपका एक बहुत लंबा सफर रहा राजनीति का, पहले एनएसयूआई के दिनों से लेकर उसके बाद एक युवा पार्षद और आज एक युवा विधायक के तौर पे, तो किस तरह की आपकी ये लाइफ रही आज तक की, आप थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे? राजनीति खून में है, कहीं ना कहीं समाज के प्रति जो जिम्मेदारी थी उसी को आगे बढ़ाते हुए मेरी ये कोशिश रही कि राजनीति में रहकर शायद समाज का ज़्यादा भला किया जा सकता है। और मुझे याद है एनएसयूआई के वो दिन जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था और मुझे वेस्ट जोन का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था, मैं अपने कॉलेज का प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ और ये सफ़र वहीं से शुरू हुआ और वहाँ से होते हुए यूथ कांग्रेस की राजनीति, आईवाईसी की राजनीति, फिर कहीं ना कहीं जो मेरा एक पड़ाव था, एक हमेशा से जो लगाव था मेरी अपनी विधानसभा की तरफ, उस तरफ जाने का मौका मिला और कॉरपोरेशन में 2002 का दो में चुनाव लड़ा, अच्छे मार्जिन से जीते, क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ था, वहाँ काम किए, दोबारा इलेक्ट हुए कॉरपोरेशन में 2007 में, फिर काम करने का मौका मिला कॉरपोरेशन में और इवेंचुअली 2008 में विधानसभा में पहुंचने का मौका दिया। पार्टी ने अपनी आस्था जताई, लोगों ने विश्वास जताया और जैसा मैं बता रहा था कि बादली विधानसभा क्षेत्र क्योंकि नया कार्व आउट हुआ था 2008 में तो बहुत से चैलेंजेस थे, कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ी हुई एक विधानसभा मुझे सौगात के रूप में मिली थी, उसको नर्चर किया, लोगों का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, साथ मिला, सहयोग मिला और एक अच्छा टेन्योर 2008 से 2013 का हमने देखा। उसमें जो मूलभूत सुविधाएं थी विधानसभा की उसकी तरफ काफ़ी काम तेज़ी से आगे बढ़े। 5 साल एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें बहुत काम हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, जिसमें रोड नहीं हो, जिसमें पानी का सुविधा नहीं हो, जिसमें कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं हो, जिसमें कोई कम्युनिटी सेंटर्स नहीं हो, जिसमें मैं कहूँ कि बेसिक जो रिक्वायरमेंट एक बिजली की पानी की समस्या मैं देखता था कि बहुत एक्यूट थी। 5 साल बहुत कम समय होता है लेकिन लोगों के सहयोग से, माननीय शीला दीक्षित जी की जो उस समय सोच थी किसी भी तरीके से पूरे क्षेत्र को एक अच्छा डेवलप्ड एरिया में डेवलप करना, उसी सोच को आगे बढ़ाया और सहयोग मिला प्रशासन का भी और लोगों का भी और कहीं ना कहीं हम कामयाब हुए। एक अच्छा रोड मैप लेकर हम जो चले थे उस पर तेज़ी से आगे बढ़ने का मौका मिला
काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो सुविधाएं थी हमने कोशिश की अपने इस बादली विधानसभा क्षेत्र को दी जाए उसमें, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूं कि एक अनऑथराइज कॉलोनी, रीसेटलमेंट कॉलोनी जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं, जहां पे बेसिक रोड्स नहीं, जहां पर लाइट की स्ट्रीट लाइट्स की सुविधा नहीं, जहां पे हॉस्पिटल नहीं, डिस्पेंसरी नहीं, कोई पार्क नहीं, कोई अच्छा स्टेडियम नहीं बच्चों के खेलने के लिए, वो सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हुए कहीं ना कहीं 2008 से 2013 का समय बहुत अच्छा लोगों के सहयोग से हमने उसको अपनी विधानसभा को नर्चर करने में लगाया। और उसी की बदौलत जब 2013 में पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एक हवा चली, कांग्रेस को कहीं ना कहीं लोगों ने नकारा, उस समय 8 विधायकों में चुनकर मुझे दोबारा विधानसभा में पहुंचने का मौका मिला और 5000 लगभग 25,000 वोटों से उस समय मुझे लोगों का आशीर्वाद मिला कि 25,000 वोटों से उन्होंने जिताया। कहीं ना कहीं जो अधूरे काम थी उनमें मुझे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती थी, हालांकि IYC में रहते हुए मौका मिला था बहुत सी जगह कई स्टेट्स में काम करने का, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे महसूस होती थी कि पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी अब, क्योंकि मुझे इतने मार्जिन से लोगों ने जिताया भी है, दोबारा अपना विश्वास जताया है, तो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती थी कि क्षेत्र की जनता के लिए जो अधूरे काम है उनको पूरा किया जाए। इसी सफर में हमने अपने क्षेत्र में बहुत से विकास के काम किए जो शायद आम आदमी पार्टी की सरकार होते हुए भी लगभग 250 करोड़ रुपए के काम में अपने विधायक। ऐसे कौन से प्रमुख तौर पे काम रहे जो कि आपने अपने क्षेत्र के अंदर किए जो कि और जगह आपको लगता नहीं हुए और आपके क्षेत्र में ही जो है वो हाईलाइट हुए काम, ऐसे कौन से काम है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक बहुत ही पिछड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी, 2 विधानसभाओं में से कार्व आउट होके एक कॉलोनी, ये हमारी विधानसभा बनी थी और इसमें अनऑथराइज कॉलोनीज काफ़ी थी, रीसेटलमेंट कॉलोनीज थी और साथ के साथ एक दो ऐसे मुद्दे थे, एक दो ऐसी समस्याएं थी जिसका समाधान हम लगातार हमारे कोशिश करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं सरकारों की जो कमिटमेंट थी वो नहीं होने की वजह से हम पिछड़े भी। इसमें मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं, एक आंदोलन भी हमने खड़ा किया, हमारे यहाँ पर डंपिंग यार्ड बना हुआ है, पूरे दिल्ली का जो कूड़ा होता है वो बलसवा लैंडफिल साइट पर आकर गिरा है। पूरी दिल्ली की परेशानी है ये जो आप बता रहे हैं जिस लैंडफिल साइट के बारे में, इसकी वजह से पूरी दिल्ली तमाम, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि यहाँ आग लग जाती है, इसके अंदर जो है टॉक्सिन्स निकलते हैं, ऐसी खबरें भी आती हैं न्यूज़ में और ये बहुत बड़ी एक दिक्कत जो है दिल्ली के सामने है। और इस परेशानी से किस तरह से आपने निपटने के लिए, आपने क्या किया इससे निपटने के लिए, आप जरा बताइए प्लीज। अमन, मैं बताऊंगा कि आज कहने के लिए, बात करने के लिए, चाहे हमारे कॉरपोरेशन के लीडर्स हों या हमारी दिल्ली सरकार हो, एनवायरनमेंट की बहुत बढ़ चढ़ कर वकालत तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ध्यान जो बेसिक परेशानियां लोग झेलते हैं, खास तौर पे ये एक बहुत बड़ा न्यूसेंस आसपास के क्षेत्र के लिए, क्योंकि जब भी हवा चलती है, चाहे वो रोहिणी हो, चाहे मॉडल टाउन हो, आसपास जहांगीरपुरी हो, आसपास की कई कॉलोनियों को वो इफ़ेक्ट तो करती ही करती थी, लेकिन एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हम वहाँ पे महसूस करते थे कि पानी का भी कंटेमिनेशन, इसकी वजह से क्योंकि इंजीनियर्ड साइट नहीं थी, किसी समय 90s में शुरू हुआ ये डंप यार्ड और आज एक कूड़े के पहाड़ के रूप में इसने विशाल रूप ले लिया। इसके साथ ही साथ जहां ऊपर इसकी न्यूसेंस थी, उतनी ज़्यादा न्यूसेंस इसकी पानी को नीचे जो ग्राउंड वाटर है उसको कंटेमिनेट करने में भी उसका रोल बड़ा रहा। और दुखद है कि दिल्ली की एकमात्र जो नेचुरल झील सबसे बड़ी बलसवा लेक भी उसके बिल्कुल साथ में है, एक ऐसा रिसोर्स जो बहुत अच्छे से हम यूटिलाइज कर सकते थे क्षेत्र के लोगों को पानी देने के लिए, वो कंटेमिनेट होता जा रहा था। खैर, कॉरपोरेशन में लड़ाई लड़ी, कुछ पोर्शन जो मेरे पास 2002 से 2007 तक में एक पोर्शन आता था वो हमने उसको वहाँ पर कूड़ा डालना बंद करवाया और आज वहाँ पर हमने घास और पौधे लगा के बड़ा अच्छा सुंदर उसको डेवलप किया। लेकिन ये लड़ाई, क्योंकि कॉरपोरेशन मल्टीपल जो हमारी एजेंसीज हैं
उसके कोऑर्डिनेशन से ये संभव हो सकती थी। लिहाजा ये जो अब करंट जो साइट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी न्यूसेंस हो गई थी। हमने लगातार इसमें पहले सरकारों को इन्वॉल्व किया, कॉरपोरेशन को इन्वॉल्व किया, लेकिन सरकार की नकारात्मक रवैया को देखते हुए कहीं ना कहीं हमें अपने क्षेत्र में एक आंदोलन के रूप में इसको खड़ा करना पड़ा। किस तरह से आपने वो आंदोलन किया ये भी हम देखना चाहेंगे, और क्षेत्र में जाकर और बड़ी परेशानियां और क्या समाधान आप आज तक कर पाए उनके बारे में हम आपके साथ चलकर क्षेत्र के अंदर देखना भी चाहेंगे कि क्या क्या आपने किया और किस तरह से आप इन सारी परेशानियों से आज तक लड़ते आए। निश्चित ही, चलिए। इस समय हम आए दिल्ली की लैंडफिल साइट पर, जहां पर दिल्ली का सबसे ज्यादा कचरा जो है वो फेंका जाता है, और यहां से निगम पार्षद भी रहे हैं। इस पोर्शन, जो ये पोर्शन आप हरा वाला देख रहे हैं, ये पोर्शन देवेंद्र यादव जी के टेन्योर में जब वो निगम पार्षद रहे उस समय ये डेवलप किया, ऐसा देवेंद्र जी ने बताया। और ये पीछे का जो देख रहे हैं आप पहाड़, ये कूड़े का पहाड़, इसके बारे में सर आप, मैं चाहूंगा आप कुछ बताइए। देखिए, मैंने जैसे कहा कि 2002 से 2007 तक हमें 5 साल का टेन्योर मिला एज ए कॉरपोरेशन मेंबर। कॉरपोरेशन मेंबर रहते हुए पहले यहाँ पर भी, सामने जो आपने अभी ग्रीन दिखाया वहाँ पर भी पहले कूड़ा डाला जाता था, हमने उसकी लड़ाई लड़ी और उसको बंद करवाया। लेकिन इसी दौरान ये जो सामने कूड़े का पहाड़ आप देख रहे हैं, जिसमें आज तक भी सामने आप गाड़ी देख सकते हैं कि डंप करते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी लड़ाई जो थी वो हमने शुरू की, आंदोलन खड़ा किया, यहाँ आसपास 10,000 पेड़ पौधे लगाए, लोगों को मोटिवेट किया, मेडिकल कैंप लगाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की कि इससे क्या क्या बीमारियाँ और क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, और सरकारों को भी पुश करने की कोशिश की। लेकिन जब सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रहेंगी, तब हमें अल्टीमेटली कोर्ट का रास्ता देखना पड़ा। NGT गए, NGT ने ऑर्डर पास किया, और ऑर्डर पास करने के बाद भी जब इन्होंने काम शुरू नहीं किया तो NGT ने सख्त रवैया अख्तियार करते हुए उन्होंने कहा कि पहले इसके पैसे जमा कराइए और बायो माइनिंग के द्वारा इसको पुनः से दोबारा से इसको ठीक किया जा सके। तो आज उसका कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन साथ के साथ मुझे दुख इस बात का है कि अभी भी कूड़ा डाला इसमें जा रहा है। सर, ये जो आप जिस तरह से बता रहे हैं कोर्ट के आदेश के बाद, मेरा ख्याल है जब कोर्ट ने आदेश कर दिया कि यहाँ से लैंडफिल साइट ही हटा दी जाए, आपने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी जिस तरह से आप बता रहे हैं, उसके बाद भी अगर यहाँ कूड़ा डाला जा रहा है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? दिल्ली सरकार या MCD, कौन इसके लिए जिम्मेवार है? कौन ये? मैंने कहा कि इसमें दोनों तीनों गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि साइट देने के लिए DDA जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती है, भारतीय जनता पार्टी उसमें शासन कर रही है, यहाँ से इसको जो शिप करने के लिए जो पैसे इन्वॉल्व होते हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट ने के कहने पे के बाद, क्योंकि कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है अल्टीमेटली डंप कहाँ किया जाए, वो सारी चेन हमने कोशिश की इनको मिलाया जाए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि NGT के ऑर्डर के बाद आज हालत ये है कि कम से कम पैसे जमा हुए हैं और यहाँ पर बायो माइनिंग का काम शुरू हुआ है, नई साइट जो नरेले में शुरू होनी थी वो शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं आज हमें इस बात की एक उम्मीद जगने शुरू हो गई है कि इस समस्या का समाधान हम आने वाले समय में पूरी तरीके से कर पाएंगे। आने वाले समय में अगर आपको जनता दोबारा यहाँ से चुनकर भेजती है तो ऐसा क्या कार्य रहेगा इस लैंडफिल साइट से रिलेटेड जो आप करेंगे और जिससे समाधान ना सिर्फ यहाँ के क्षेत्र के वासियों को बल्कि पूरी दिल्ली को इसका जो है फायदा हो? ये लैंडफिल साइट की वजह से मैंने बताया कि नीचे का ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो रहा है, जहाँ पर पानी की स्कार्सिटी है, इसके साथ में एनवायरनमेंट जो है वो यहाँ पर उसकी वजह से खराब हो रहा है। तो हमारा सबसे पहले, यदि कोई ध्यान जाएगा इसकी तरफ, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो डलने वाला कूड़ा है उसको पूरी तरीके से रोकने का काम करेंगे, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद, कोर्ट के इंटरवेंशन के बावजूद, आज भी कूड़ा इसमें डल रहा है। ये बात सही है कि हमारी मेहनत
कहीं ना कहीं इस पे रंग ला रही है। और आज यहाँ पे बायो माइनिंग के लिए कुछ प्लांट्स वगैरह कुछ मशीन्स यहाँ पर इंस्टॉल हुई है जो अपना काम शुरू कर चुकी है। सर ऐसी भी कई सूचनाएं मिलती आई हैं पिछले दिनों में कि इस लैंडफिल साइट की वजह से आसपास रहने वाले जो निवासी हैं उनको कई बीमारियों का, कैंसर जैसी और कई स्किन रिलेटेड जो बीमारियां वो भी हुई गंभीर रूप से, कई कई लोगों ने शायद अपनी जान से भी हाथ गंवाए, उससे रिलेटेड क्या दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार ने किसी भी तरह उन लोगों की मदद की या आपने कभी ऐसा कुछ कोशिश की कि उन लोगों का कुछ किस तरह से मदद हो सकता है? कि जैसे हमने एक आंदोलन जब खड़ा किया तो तरीके से उसको खड़ा करने की कोशिश की, उसमें हमने पानी के सैंपल्स लिए, उनके टेस्ट कराए, हवा के सैंपल्स लिए वो टेस्ट कराए, और उनसे जो जो कमियां पानी और हवा में थी उनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं वो हमने निकाली, लोगों को जागरूक किया, मेडिकल कैंप्स लगाए ताकि जो बीमारियां उससे निकल के आ रही थी, चाहे उसमें स्किन से रिलेटेड हैं, चाहे आँख से रिलेटेड बीमारियाँ थी, या यहाँ तक कि कैंसर के कई केसेस हमने यहाँ पर उस समय डायग्नोज किए, उनको जो मेडिकल मदद हम कर सकते थे मेडिकल कैंप्स लगाकर उनको जागरूक करना, उनको दवाई देना, उनकी जांच कराना, हॉस्पिटल तक भेजने का काम, आंखों के लिए आंखों की टेस्ट कराना, वो लगातार आज भी हमारा कार्यक्रम जो है मैं आपको लेके चलूँगा वहाँ पर भी, लगातार आज भी हमारा वो आइस चेकअप कैंप जिसमें हम फ्री, चाहे किसी की आंख में कोई प्रॉब्लम है उसके ऑपरेशन की बात हो या उसको चश्मा देने की बात हो या टेस्ट करने की बात हो, दवाइयां देने की बात हो, वो पूरी तरीके से हम अपने लेवल पर उसको फ्री आज भी जारी रखे हुए। आइए चलते हैं, देखते हैं आपके कैंप को और जितने भी आपने कार्य किए उनके बारे में भी जानते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो साइट आप देख रहे हैं और ये जो फ्लाईओवर्स का एक नेट पूरे देखेंगे कि चारों तरफ से क्लब लीव्स बने हुए हैं, कनेक्टेड है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे कभी बहुत ज़्यादा जाम लगा करता था, और ये हमारे 2008 से 13 का ही टेन्योर था जिस समय हमने इसको ना सिर्फ प्लान करवाया बल्कि एग्जीक्यूट भी कराया। और मुझे खुशी है आज यहाँ से जो लोगों का जो पंजाब की तरफ जाना है, हरियाणा की तरफ जाना है, J&K की तरफ, नॉर्थ का एक ये गेटवे काइंड ऑफ अ प्लेस है, यहाँ पर हम बहुत जाम्स लगा करते थे और माननीय शीला दीक्षित जी की सोच की वजह से ही शायद ये पॉसिबल हो पाया कि इतना सुंदर यहाँ पर हमने ये फ्लाईओवर बनाया है। इसके साथ ही आप देखते होंगे कि ये जो सामने आप राधा कृष्ण जी की मूर्ति देख रहे हैं, ये भी हमने अपने कुछ साथियों के सहयोग से, अपने पर्सनल फंड से इसको यहाँ पर बनाया ताकि जो भी व्यक्ति नॉर्थ दिल्ली से आता है उसको एक अच्छा विजुअल कोई मिले। शाम को यहाँ पे नज़ारा और ही होता है, यहाँ पर हमने इसके लाइटिंग का इंतजाम किया है, लोग बाग आज यहाँ पर पिकनिक के लिए आते हैं, घूमने फिरने आते हैं, इसके आसपास का ग्रीन क्षेत्र को हमने डेवलप किया। जो आई चेकअप कैंप लगा है, क्या ये जैसे चुनावी कैंप लगते हैं उस तरह का चुनावी कैंप तो नहीं है जो कि चुनाव से पहले सभी नेता जो है लगाते हैं कि चुनाव आने वाले हैं वोट डलनी है, अब लोगों का कैंप भी लगवाया जाए? नहीं अमन, ऐसा है कि मैंने बताया आपको कि हमने एक मूवमेंट शुरू किया आज से 4 साल पहले, और उसमें हमने लोगों को जागरूक किया कि ये जो कूड़े का पहाड़ हम भैया 4 साल मतलब जब आप विधायक का चुनाव हारे उसके बाद, उसके पश्चात, क्योंकि उसके बाद ही हमने ये शुरू किया था और कूड़े के पहाड़ के लिए एक मोमेंटम खड़ा किया था। उसमें हमने लगातार चेकअप कैंप्स, हेल्थ चेकअप कैंप्स और आईज का प्रोग्राम रखा और लगातार ये उसी समय से जारी है। अब जरूर यह है कि हमने पर्टिकुलरली आईज को ऊपर फोकस किया, पिछले 1 साल से हमने सोचा है कि हम अपने क्षेत्र में से जो भी आंखों की बीमारियां हैं उसको पूरी तरीके से खत्म करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है, और उसी का फल, उसी का ये रूप जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मेडिकल कैंप जो हमारा आईज चेकअप कैंप है वो यहाँ पर आप उसी का रूप देख रहे हैं। कितने लोग इस आई चेकअप कैंप से अब तक फायदा उठा चुके हैं? अभी तक कम से कम 5,000 लोगों को फायदा हो चुका है,
और लगातार अब ये हमारा टारगेट है कि 15,000-20,000 जो भी हमारे इस क्षेत्र में होंगे, और उसके लिए चाहे लगातार हमें साल दर साल लगाते रहना पड़ेगा तो भी लगाएंगे। लेकिन क्यों जरूरत पड़ी जबकि दिल्ली सरकार के अस्पताल अपने हैं और एमसीडी के अपने अस्पताल है, और अब तो दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक भी जगह जगह खुलवा दी है, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि लोगों को यहाँ पर आकर जो है दिखाना पड़ेगा? मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ की जो मेडिकल सुविधाओं की जो हकीकत क्या है। हालत ये है कि कागजों में अवश्य अदब कैसे है, कागजों में अवश्य कुछ डिस्पेंसरीज खुली होंगी, हॉस्पिटल खुले होंगे, लेकिन यथार्थ में यहाँ पिछले 5 साल में ना तो कोई मोहल्ला क्लिनिक है। आप ये बहुत सारे हमारे लोग खड़े हुए हैं, आप मोहल्ला क्लिनिक देखा कहीं? आप लोगों ने किसी ने देखा मोहल्ला क्लिनिक? हमारे यहाँ कोई नहीं है, हमारे यहाँ कोई नहीं देखा है क्या मोहल्ला क्लिनिक? नहीं नहीं। कैसे है? कोई कॉलोनी में मोहल्ला क्लिनिक नहीं है हमारे यहाँ से, हमारे राजनगर में कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है। आप बोल रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, केजरीवाल जी कह रहे हैं मैंने पूरी दिल्ली में खुलवाया, उन्होंने लिस्ट निकाली बकायदा। नहीं जी, हम आप अपने राजनगर की बात कर रहे हैं, यहाँ हमारे राजनगर में कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, सरदारनगर में कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, ना अस्पताल है ना डिस्पेंसरी है, ना कोई विधानसभा में कोई भी क्लिनिक नहीं खुला, ना स्कूल खुला ना कॉलेज खुला, कोई भी काम नहीं हुआ इस विधायक के अंदर में, दिल्ली सरकार ने कुछ भी नहीं किया कोई भी। जब ही देवेंद्र यादव जी बोल रहे हैं कि आपको साफ पानी मिल गया पीने के लिए, साफ पानी केजरीवाल से तो झूठ जितनी मर्जी बुलवा लो सर। सर कैसा लगता है जब इतने लोग आपको प्यार देते हैं और इतने लोग आपके समाज में, आप जिस समाज में रहते हैं, हिम्मत देते हैं मुझे समाज के लिए आगे काम करने के लिए? राजनीतिक रूप से अगर आगे बढ़ने का कुछ इच्छा है तो वो इसलिए है कि भाई कहीं ना कहीं इन लोगों के काम आ सकूं। जो प्यार और आशीर्वाद मिलता है, बुजुर्ग आप देखेंगे किस तरीके से प्यार करते हैं, किस तरीके से आशीर्वाद देते हैं, वो हिम्मत देता है कि सामाजिक काम करते रहें। और शायद इसीलिए कहीं ना कहीं मेरा ये राजनीति की तरफ रुझान है कि हमारा समाज जो है वो जो पिछड़ा गया है कहीं ना कहीं, जो समाज में किसी भी रूप में आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से पिछड़ गया, उसको किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके, उसको कैसे संभाल लाकर काम उनको। सर एक और ऐसा दावा है दिल्ली सरकार का जिसमें कि पानी को लेकर उन्होंने कहा है कि पानी ऐसा दे रहे हैं कि जो आप सीधा नल खोलिए और आरओ से ज्यादा साफ सुथरा जो है पानी मिलेगा, तो दिल्ली सरकार काम कर रही है सर, आप लोग उनको खींच रहे हैं, टांग खींच रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हालत, हालत, दे रहे हैं। अमन भाई हालत ये है, आप किसी भी बुजुर्ग से पूछिए, किसी भी महिला से पूछिए, अभी तो खैर पानी आ ही नहीं रहा है क्योंकि सिर्फ 1 घंटे के लिए सवेरे और 1 घंटे के लिए शाम को वो देते हैं, लेकिन जो पानी आता है वो आप शक्ल देख के ही आपको महसूस हो जाएगा कि कितना गंदा पानी आता है। आज कोई भी महिला, कोई भी परिवार में, कोई ऐसा परिवार नहीं जो 20 रुपए में कैन लेकर खरीद कर अपना काम नहीं चलाता। ये जो बता रहे हैं भाई साहब, बता रहे हैं पानी के बारे में, हाँ जी, आपका क्या मानना है यहाँ पे, आप यहीं के लोकल निवासी? हाँ जी बिल्कुल। पानी, पानी कैसा है यहाँ पर आपके यहाँ पानी, पीने का पानी जो आ रहा है वो पीने लायक पानी है या कैसा पानी है? पानी देखिए, पानी की शक्ल देखने के बाद पानी इतना गंदा लगता है, पीला पीले कलर का पानी होता है, और उसके अलावा पानी जो है 1 घंटे का बोलते हैं, 1 घंटे में भी जो है आधा घंटे आता है। तो जो पीने का पानी की आपकी परेशानी है उसको कैसे आप पूर्ति कैसे करते हैं? उसके लिए हम जो है से आरओ का पानी लेते हैं, 20 रुपए की बॉटल लेकर के वो पानी जो लेके आते हैं। अब 20 रुपए की बॉटल हर आदमी कैसे लेकर के आए, कोई गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, 20-20 रुपए रोजाना की बॉटल लेके आएगा। अब 30 दिन की बॉटल हो गई, 600 रुपए का पानी पानी हो गया, 600 रुपए का पानी पीने के लिए उसको खर्चा करने के लिए कितनी दिक्कत आती है। 20 रुपए में खरीदते हो? 20 रुपए की बॉटल। क्यों, जो नल में आता है वो नहीं आता, वो पेट में दर्द हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, हमारे तो साफ नहीं रहता पानी, पीने लायक नहीं रहता वो पानी, पीने लायक नहीं आता। नहीं, नहीं। दिल्ली सरकार कह रही है आपको पानी ऐसा देंगे कि टूटी चलाए आरओ से ज्यादा साफ सुथरा पानी मिलेगा, आप लोग कह रहे हैं पानी जो है वो खराब है, पानी मिल रहा था क्या कर रहा था, पानी जब खरीद के पीते हैं, पीने के लिए कहाँ से लाते हैं? फिल्टर का पानी जो आता है ये पीते हैं, फिर कहाँ से खरीद के लाते हैं पानी? यही बेचने में, ये बेचते हैं गली गली में, बोतल से वो फिल्टर की रहता है। 20 रुपए में मिलता है? 20 में देते हैं। 20 रुपए में क्या, 5 लीटर
15 लीटर की जिसके 10 परिवार 15 तो कहाँ से चलेगा तुम बिजली रोज लग जाता है रोज लग जाता है। जब हमारी कॉलोनी में गड्ढे थे देवेंद्र यादव ने यहाँ आरसीसी डलवाई और अब यह हाल है जो गली खराब है उनमें टैल लग रही है यूपी बना दिया दिल्ली को यूपी बना दिया टैल लगा लगा के। और जब देवेंद्र भाई साहब ने यहाँ काम करवाया आरसीसी डलवाई गड्ढे हुआ करते थे गड्ढे। सरकार तो कहती है कि हमने सड़कें एकदम चकाचक कर दी हैं लाइटें लगा दी हैं कैमरे लग गए हैं आप लोगों की सिक्योरिटी हो रही है आपको सब कुछ सब सुविधाएं मिल रही हैं पानी बिजली हवा सब शुद्ध है अब तो बारिश भी हो गई पॉल्यूशन भी कम हो गया। तो केजरीवाल जी कल को ये भी हो सकता है बोल देंगे अब तो प्रदूषण जो है वो भी मैंने बारिश करवा के स्पेशली बंद कर वो तो बारिश से कम हुआ जी प्रदूषण अगर उसे कराना होता था वो खत्ता हटवाता खत्ता भाई साहब ने हटवाया आज या और सड़कों की हालत चल जाएगी कि सड़कें कैसी बनी हुई हैं सड़कें कितनी बनी हुई हैं वो दिखाई दे जाएगा आप उसका विजिट भी खुद भी अपने आप विजिट कीजिए तो अपने आप दिखाई दे जाएगा कि हमें बोलने की जरूरत नहीं है उसमें कि सड़कें कैसी बनी हुई हैं। सर ज्यादा संख्या जो है आज के डेट में युवाओं की है वोटर्स की तो आने वाले चुनाव में आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे या क्या अपील करना चाहेंगे युवाओं को और बाकी वोटर्स को कि दिल्ली में जो चुनाव है वो किस तरह से क्या सोच के क्या देख के वोट डालें। नहीं निश्चित ही आप देखिए कि आज युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार है पढ़ाई कर लेता है लिख लेता है लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल रहा और नौकरी तो सरकारी छोड़ ही दीजिए वो स्वयं के लिए यदि कोई रोजगार सोचता है या करने की सोचता है तो वो भी उसके रोजगार में आज भारी परेशानी हो रही है। हर एक गरीब आदमी हो अमीर आदमी हो सब लोगों के पास जो काम धंधे की बात थी वो पूरी तरीके से आज हर एक व्यक्ति खासतौर पे युवा परेशान है कि उसको ना कोई नौकरी मिल रही है सरकारी और ना काम करने के लिए कहीं ना कोई जो छोटा मोटा रोजगार कर लेता था आज उसके लिए भी उसको दर दर भटकना पड़ रहा है कोई उसको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कोई उसको स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी आपको याद होगा हमने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए क्योंकि गरीब एरिया है खासतौर पर अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया की बात करूं लोग बाग सिर्फ गुजारा करते थे अपने छोटी छोटी चीज़ें बेचकर जो घरेलू ज़रूरतें होती हैं उनको सामान को बेचकर। स्ट्रीट वेंडिंग का हमने कानून पास किया कांग्रेसी सरकार ने उनको ये हक दिया कि उनको भी वो सम्मानजनक जीवन जीते हुए अपना कहीं ना कहीं एक स्ट्रीट वेंडिंग जोन बनाकर वहाँ पर अपना सामान बेच सकें लेकिन ये पिछले 6 साल से आपने देखा होगा कि केजरीवाल सरकार ये तो कहती है कि हम रोजगार देना चाहते हैं हम काम देना चाहते हैं मगर ये तो आम आदमी की सरकार है ना ये तो उन्हीं के लिए कर रहे हैं सब कुछ। आप बता रहे हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स की अगर आप बात करें तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए तो केजरीवाल जी बोलते हैं कि वो तो उन्हीं के लोग हैं उनकी जितनी भी परेशानी है वो सब परेशानियां उनकी केजरीवाल जी की परेशानियां। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम इसके लिए भी बाकायदा हमें संघर्ष करना पड़ा। मुझे याद है कि हमने अपने समय में स्ट्रीट वेंडिंग कानून पास किया माननीय अजय महाकन जी उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे यूडी मिनिस्टर हुआ करते थे उनके समय में हमने बाकायदा कानून पास किया और दिल्ली सरकार को भेजा कि इसको लागू किया जाए लेकिन 6 साल उसके ऊपर सोते रहे। जब कोर्ट के ऑर्डर्स आए कोर्ट में हमारे कुछ संस्थाएं गई उन्होंने ऑर्डर पास किए कि भाई इनको जल्दी से जल्दी स्थान दिया जाए स्ट्रीट वेंडिंग जोन बनाया जाए पूरी दिल्ली में क्योंकि 2.5% लोगों को इससे रोजगार मिल सकता था। लगभग 2 करोड़ की आबादी में आप समझ लीजिए 25 लाख लोगों को हम इसके जरिए काम दे सकते थे लेकिन इनकी पूरी तरीके से विफलता आप कहेंगे या इनकी नीयत साफ नहीं होना कहेंगे क्योंकि जो कानून केंद्र सरकार ने पास किया उसको लागू करने में भी उन्होंने इतनी ढिलाई की अल्टीमेटली लोगों को कोर्ट जाना पड़ा कोर्ट ने ऑर्डर पास किए उसके बाद जब स्ट्रीट वेंडिंग कमेटीज़ के इलेक्शन हुए उसका नोटिफिकेशन करने से मना कर दिया हमें खुद स्वयं जाकर केजरीवाल जी को जगाना पड़ा हमने वहाँ प्रदर्शन किया उनके घर पे जाकर प्रदर्शन किया तब जाके उसको नोटिफिकेशन हुआ। कुल मिला के इनकी नीयत साफ नहीं है ये गरीब आदमी को गरीब ही रखना चाहते हैं। हमने यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जो हमारे यहाँ क्लस्टर्स थे उनके लिए 7200 फ्लैट्स बनाकर 2013 में तैयार कर दिए 2000 मगर केजरीवाल जी तो ये बार बार ये चीज कह चुके हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान उन्होंने तो मेरे ख्याल वो तो मसीहा के तौर पे गरीबों के उभर के आए हैं और आप
पिछले 5 साल में एक मकान कहीं किसी को दिया है तो वो बताएं। जो मकान हमने, मैं बता रहा हूँ, 2015 में बनाकर तैयार कर दिए, बारली विधानसभा का एक एक झुग्गी वाले को हमने मकान देने का रोड मैप तैयार किया, JNNURM से फंडिंग करवा के 7200 फ्लैट। सर ये बड़ा सवाल आप खड़ा कर रहे हैं, केजरीवाल जी आपके साथ डिबेट कर सकते हैं इस बात। निश्चित ही मैं आपको आपको लेके चलता हूँ, आपको दिखाते हैं 7200 फ्लैट जो तैयार हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखो क्या सफाई हो रही है, देखो। मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि 7200 फ्लैट जो 2015 में बनकर तैयार हो गए थे, आज वो जर्जर हालत में है, उनको वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई इसमें आके बसे। ये बात करने की, जैसे मैंने कहा कि ये प्रचार और प्रसार में बहुत आगे हैं। आप टीवी खोलिए, रेडियो खोलिए, आप अखबार खोलिए, उसमें बड़े बड़े ऐड आपको मिलेंगे, गरीबों की सरकार। कौन से गरीब की सरकार है? आज इनके MLA को उठा के देख लीजिए, उनकी हालत अमीरों वाली हो गई, वो करोड़पति हो गए, लेकिन हमारा जो गरीब व्यक्ति है जो रेडी पटरी पे अपना काम चलाता था उसके साथ आज परेशानी है। भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते थे, आज पुलिस वाला हो, दिल्ली सरकार का कोई भी एम्प्लॉई हो, कॉरपोरेशन के इंस्पेक्टर राज हैं, वो आते हैं एक डंडा हिलाते हैं और कहते हैं भैया पैसे दो। जो काम पहले कहीं ना कहीं मुझे महसूस होता है कि आदमी सम्मानजनक जीवन देने की जो हमने मुहिम शुरू की थी, एक पहल की थी, उसको आज पूरी तरीके से रोक दिया गया। आज कोई काम करने वाला नहीं है। तो अगर कांग्रेस वापस सरकार बनाती है दिल्ली में तो ऐसे क्या कदम होंगे जिनसे आपको लगता है कि दोबारा इन लोगों को फायदा होगा, या ऐसी क्या नीतियां आपकी होंगी जिनकी वजह से आप सोचते हैं कि कांग्रेस को वोट करें लोग? मैंने कहा कि सीधे 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 5 लाख परिवार, सीधे सीधे उनको हम रोजगार दे सकते हैं, एक सिर्फ ये कानून लागू कर, क्योंकि 2.5% यदि हम लागू करते हैं, 5 लाख परिवार का मतलब है 25 लाख जो रेजिडेंट्स हैं उनको हम कहीं ना कहीं रोजगार दे पाएंगे। सबसे पहले हमें वो करना चाहिए, क्यों नहीं किया? क्या उनको सम्मानजनक जीवन जीने का हक नहीं है? हमें देना चाहिए, क्यों नहीं दें? सर केजरीवाल जी का कहना है कि वो तमाम योजनाएं जो लेकर आते हैं वो आम जन आम आदमी के लिए लेकर आते हैं, उनमें से ही एक योजना ऐसी थी जो उन्होंने कहा था कि जहां झुग्गी वही मकान, मतलब हर गरीब हर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को मकान दिया जाएगा ताकि दिल्ली के अंदर उनका अपना एक आशियाना हो, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? मैं हमेशा से ही कहता आया हूँ ये सिर्फ पोस्टर की सरकार है, ये विज्ञापन की सरकार है, ये कहते कुछ है और करते कुछ है। मैं लेके आया हूँ अभी आपको ये सामने देख रहे हैं फ्लैट्स, लगभग 7200 फ्लैट्स ही हमने हमारी यहाँ की झुग्गियों के लिए बनाए थे कि झुग्गियों को रिप्लेस कर इन मकानों में शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन पिछले 5 साल में इसमें से एक फ्लैट ये अलॉट नहीं कर पाए। बना के हमने तैयार किए इनके लिए, JNNURM से कांग्रेस से सरकार हुआ करती थी, माननीय शीला दीक्षित जी के समय में मैं JNNURM का मेंबर होने के नाते हमने ये प्रोजेक्ट यहाँ खींच के लाए। हमारे यहाँ से बादली से एक भी झुग्गी ना बचे, उनको सबको पक्के मकान मिल सके, इसके लिए हमने यहाँ पर इनको ये फ्लैट बना के दिए, लेकिन पिछले 5 साल में एक फ्लैट को वो अलॉट कर नहीं पाए। क्या कारण रहा आपके हिसाब से कि इन फ्लैट्स को आज तक आवंटित नहीं किया गया गरीबों के लिए जबकि ये बनाए उन्हीं के लिए गए थे? नीयत का फर्क है, नीयत इनकी गरीब आदमी के उत्थान की नहीं है, उनको यूज करने की है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि गरीब को गरीब ही रहना देना चाहते हैं? इनका मकसद ही यही है कि गरीब को गरीब रहने दिया जाए, उनको सिर्फ उतना टुकड़ा उनके मुंह में डाला जाए जिससे वो सुबह खाएं और शाम को सो जाएं, ताकि सुबह फिर दोबारा से उनको केजरीवाल जी याद आए। आप साफ देखते हैं कि 200 यूनिट यदि फ्री करने की बात की है उसके पीछे की कहानी क्या है आपको शायद मालूम ही है कि जिस तरीके से इन्होंने फिक्स चार्जेस बहुत ज़्यादा लोगों से, जो हमारी जनता थी दिल्ली की, उनसे फिक्स चार्जेस के रूप में बहुत सारे पैसे पहले अक्यूमुलेट कर लिए। अब 200 यूनिट फ्री देने की बात की है तो उसमें बाकायदा आप देखते हैं कि 200 यूनिट का बिल आता है और उसके बाद उसको दिखाते हैं कि जीरो। कहने का तात्पर्य ये सिर्फ एहसास कराना चाहते हैं कि हम आपको फ्री दे रहे हैं, आप हमारे टुकड़ों पर पल रहे हैं, जो कि बिल्कुल सरासर
एक मानवता के लिहाज से भी बिल्कुल ठीक नहीं है। गरीब भी एक अपनी जिंदगी जीना चाहता है, एक सम्मानजनक जिंदगी जीना चाहता है। और कांग्रेस ने हमेशा से ये सोच रखा है कि किसी भी व्यक्ति को परमानेंट सोल्यूशन दिया जाना चाहिए, ताकि वो चाहे वो रोजगार की बात हो, हमने अगर रेडी पट्टी कानून लाने की बात की, यदि हमने दिल्ली के विभिन्न कोनों में आज रिसेटलमेंट कॉलोनीज बसाई, तो उसका मकसद इंदिरा जी की सोच, कांग्रेस की सोच ये थी कि उनको सम्मानजनक जीवन जीने का हक जो है वो दिया जाए, उनको वहीं मकान दिया जाए, उनको वहीं रोजगार दिया जाए। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप युवा कांग्रेस से राष्ट्रीय सचिव रहते हुए काउंसलर का चुनाव लड़े थे पहली बार, तो एक खास फीलिंग वो आपके लिए हमेशा रहेगी जिंदगी की कि युवा कांग्रेस में रहते हुए आपको एक मौका मिला, जिसके बाद आप आज यहाँ तक पहुँचे कि आप ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव भी हैं, दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और राजस्थान के जो है इंचार्ज भी हैं। तो क्या जिस तरह से पिछले दिनों में राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा सब जगह चुनाव हुए, वहाँ पर युवा कांग्रेस और NSUI के साथियों को टिकटें दी गई जिन्होंने जीत भी दर्ज की, क्या उसी तर्ज पे हम देखेंगे कि दिल्ली में भी ऐसा मौका युवा कांग्रेस और NSUI की परिवार के साथियों को मिलेगा और वो आगे नया नेतृत्व जो है वो तैयार करने का आप काम करेंगे? जैसा मैंने बताया कि मेरी राजनीति शुरू हुई NSUI से, और मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि जो NSUI से होता हुआ यूथ कांग्रेस फिर आगे की सीढ़ियां चढ़ता है, उसके मन में कहीं ना कहीं युवाओं की जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो उनकी मेहनत है, वो कहीं ना कहीं मेरी नज़रों में हमेशा बनी रहती है। और यही बड़ा कारण है कि चाहे राजस्थान में मुझे सेक्रेटरी के रूप में काम करने का मौका मिला, हमने बहुत से युवाओं को ना सिर्फ MLA बनने में मदद की, उनको टिकटें दी, बल्कि MP भी युवा से युवा साथी हमने MP लड़ाने का भी वहाँ पर काम किया। मुझे हरियाणा में मौका मिला स्क्रीनिंग कमेटी का मेंबर बनने के लिए, वहाँ पर भी हमने बड़े बहुत सारे हमारे युवा साथी जो NSUI से के बैकग्राउंड से आते थे या यूथ कांग्रेस में करंट स्टेट यूनिट्स में काम कर रहे थे या IYC में काम कर रहे थे, उनको हमने मौका प्रदान किया। अब निश्चित ही मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि जब हम दिल्ली में एक अहम पोजीशन पर बैठे हैं, एक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो मैं निर्वाह कर रहा हूँ अपनी जिम्मेदारी, उसमें यूथ का और महिलाओं का भी, उसमें क्योंकि महिलाएं भी कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस करती हैं, ये दो सेगमेंट हैं जिनके ऊपर मेरी खास तौर पे ये स्ट्रेस भी रहेगा और हमारी ये चर्चा भी हुई है माननीय अध्यक्ष जी के साथ भी और हमारे अन्य सीनियर लीडर्स के साथ कि युवाओं को और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देने का हम आने वाले चुनाव में काम करेंगे। धन्यवाद सर, आपने समय दिया अपना IYC की सीरीज में, आपका बहुत बहुत दिल से दिल की गहराइयों से धन्यवाद, और पूरी IYC फैमिली और पूरी IYC टीम की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इस बात के लिए। थैंक यू अमन।